चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आखिर में इमेजनरी का पावर इमेजनरी आने लगे तो क्या इसका वैल्यू पॉसिबल होता है। मतलब सोच लीजिए आप ध्यान में, मतलब अच्छे से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि इमेजनरी का पावर इमेजनरी क्या हो तो आप क्या जवाब दे सकते। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बात है। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा कि देखिएगा कि आखिर में इमेजनरी का पावर इमेजनरी करेंगे तो हमारा क्या आ सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि यूलर फॉर्म के बारे में शायद आप लोग जानते हैं। ठीक है, यूलर फॉर्म या उलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। यूलर फॉर्म होता क्या है? देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा बराबर में e का पावर iota थीटा होता है। ये आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये एक यूलर जी थे, ठीक है, उन्होंने भी ये क्या किया था, इस थ्योरम को कम्प्लेक्स नंबर में बताया था। अगर जो स्टूडेंट कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं उनको शायद पता हो। ठीक है, ये आपका होता है ना। तो ये आप लोग समझेंगे कि cos थीटा प्लस i sin थीटा बराबर i थीटा होता है, iota थीटा। अब यहाँ के बाद आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि अब ये थीटा जो होता है बाबू आर्गुमेंट होता है। क्या होता है? आर्गुमेंट। तो हम इस i का बात करें, सिर्फ बेस वाले i का बात करें, ठीक है, तो ये जो आपका लिखा है जीरो प्लस iota लिखा है। ठीक है, अब जीरो प्लस iota का जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट का बात करें, ठीक है, आर्गुमेंट यानी कि थीटा। ठीक है, अगर थीटा का बात करें, आर्गुमेंट ऑफ आई, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसका इसको हम जेड मान लें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आखिर में एंगल होगा क्या? तो आप लोग याद रखिएगा कि आई जो होता है, आई कहाँ लाई करता है? आई आपको पता होगा कि 90 डिग्री पे लाई करता है ना। इमेजनरी वाई एक्सिस जो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, तो ये 90 डिग्री पे लाई करता है ना। तो मेरा जो आई का एंगल पूछेगा, सिर्फ आई का एंगल अगर आपसे कोई पूछेगा तो आई का एंगल जो होता है बाबू 90 डिग्री होता है, जिसको हम लोग पाई बाई टू बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एंगल आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया, मतलब थीटा जो मेरा आ गया कितना आ गया, पाई बाई टू आ गया। तो हम इसमें रखेंगे कि आई का जो वैल्यू मेरा आ गया है क्या है, यहाँ पे कॉस पाई बाई टू प्लस में आई साइन पाई बाई टू, यानी आई का आर्गुमेंट मेरा यह है। ठीक है, अब इसमें ई का पावर आई, थीटा का वैल्यू क्या है मेरा, पाई बाई टू आया। आई होप कि आप लोग को ये वाला बात समझ में आ गया होगा। इस आई का जो वैल्यू आएगा, ई का पावर यूलर फॉर्म में ई का पावर आयोटा पाई बाई टू आएगा, नहीं। अब यहाँ के बाद इसमें रखिए, इस आई का वैल्यू मेरा क्या आ गया, ई का पावर आई पाई बाई टू आ गया, है कि नहीं, आई पाई बाई टू आ गया, और पावर मेरा क्या था, आई था। तो यहाँ के बाद आप सॉल्व करेंगे तो ई का पावर आई इंटू आई आ जाएगा, दो टू आई आ जाएगा इंटू पाई बाई टू, लग रहा है कि ई का पावर आई स्क्वायर पाई बाई टू होगा, है ना। और ई का पावर आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा कि यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आई का पावर जब आई करेंगे तो मेरा क्या आएगा वैल्यू, ई का पावर माइनस पाई बाई टू। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाई ई का पावर क्या आएगा, पाई बाई टू। ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन ये जो वैल्यू देगा ना सिर्फ रियल देगा। क्या देगा बाबू, इसको हम लोग बोलेंगे रियल, है ना, रियल वैल्यू देगा आपका। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी तो गायब हो गया। तो आप लोग एकदम यहां से एक नया बात सीखे हैं, ठीक है, कि जब इमेजनरी का पावर इमेजनरी करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है क्या आता है, रियल नंबर आता है। सोचने वाली बात है, नहीं कि अगर हम किसी भी इमेजनरी को इमेजनरी का पावर करते हैं तो क्या आता है मेरा, रियल पार्ट आता है। ठीक है, एक रियल नंबर आता है, सोच के देखिए यहाँ पे, है ना, क्या है, एकदम रियल नंबर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अगर इमेजनरी का पावर इमेजनरी करेंगे तो मेरा एक रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा, रियल पार्ट आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आएगा, इमेजनरी पार्ट खत्म हो जाता है। और ये आप लोग याद रखेंगे, ये यूलर फॉर्म होता है।